77 साल पहले आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया था। देश के बंटवारे की बरसी को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र सिंह लोधी ने विभाजन विभीषिका पर कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बन गया। इस दिन लाखों लोग बेघर हो गए थे। लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बांग्लादेश पर बोलते हुए मंत्री लोधी ने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है, आगे भी यदि ऐसा चलता रहा तो बांग्लादेश का भारत में विलय हो जाएगा। देखो, 14 अगस्त का जो दिन है ये वो दिन है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस विभीषिका में जो लोग हिंसा हुई, लाखों लोग इस विभीषिका के दौरान घर से बेघर भी हुए, मारे भी गए। उनकी स्मृति में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोचना था कि उनको याद किया जाए और आने वाले समय में संकल्प लिया जाए कि हम भारत को पुनः अखंड बनाएंगे और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि 15 अगस्त कहता हमसे आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो इस स्मृति दिवस पर मैं पुनः जो लोग इस विभीषिका में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनको नमन करता हूं और आने वाले समय में जो अखंड भारत का स्वप्न है उस स्वप्न को पूरा करने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे।